हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सोचा चलो मीशो का कुछ ट्राई करें। मीशो की साड़ी, मीशो का ज्वेलरी, काफ़ी टाइम से मीशो का मैंने कुछ नहीं पहना था, तो कुछ ज्वेलरी पीसेस, कुछ साड़ियां मैंने वहां से पिक करी हैं और सोचा आपके साथ शेयर करूं। कुछ लोग चाहते थे कि मैं मीशो के रिव्यूज़ वापस से स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने वापस से ये वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आए मेरा ये एफ़र्ट तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो गाइज, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फिर से कोई मीशो का वीडियो लेके आऊँ। मीशो के रिव्यूज़ वैसे मैंने शॉर्ट्स पे भी डालने शुरू कर दिए, क्योंकि मीशो एक ऐसी चीज़ है, यू नो, एक ऐसी ऐप है जहाँ पे हर चीज़ बहुत अफोर्डेबल मिल जाती है। इतनी अफोर्डेबल कि जो हम सोच भी नहीं सकते, उतने अफोर्डेबल प्राइस पे हमको सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने सोचा वापस से कुछ मीशो के वीडियो शुरू किए जाएं। अब आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे शॉर्ट वीडियोज पे भी और मेरे इन वीडियोस में भी आपको रेगुलर मीशो के जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो ज्वेलरी हो, साड़ी हो या फिर घर के जो भी बहुत ही काम के सामान होते हैं, वो सभी चीज़ों का छोटा सा रिव्यू वीडियो बनाया करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो आज आपके लिए कुछ प्यारे से ज्वेलरी पीसेस, साड़ी और कुछ घर की चीज़ें ऑल टुगेदर मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बनाने का सोचा। मैं कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जॉर्जेट है। अभी तो मैंने ब्लैक ब्लाउज डाला हुआ है, लेकिन इसका जो ब्लाउज है एग्जैक्टली सिल्क का है और उसके ऊपर भी वर्क है। शुरुआत करते हैं इस साड़ी के साथ। तो ये एक जॉर्जेट की बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। शॉर्ट वीडियो पे भी मैंने आपको रिव्यू किया हुआ है, यहाँ पे भी कर देती हूँ और यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगी सो दैट आप अपने लिए भी बाय कर सके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक्स के लिए। बहुत खूबसूरत साड़ी है ये और बहुत अफोर्डेबल है। आप लिंक क्लिक करके चेक कर लेना, नीचे आपको पता चल जाएगा। ये अंडर आई थिंक 600 समथिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं क्योंकि डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं समटाइम्स, तो ज्यादा कम प्राइस पे भी आपको मिल सकता है। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है और ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। ऐसे इसके पल्ले पे भी पूरा एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रहा है। जॉर्जेट की साड़ी है और ये बहुत अच्छी लग रही है, और जब इसके ब्लाउज के साथ पहनेंगे तो क्या ही लगेगी। तो बहुत खूबसूरत साड़ी है, अपने वार्डरोब में इस सीजन आप इसे ऐड कर लो। किसी भी ओकेजन पे या कहीं आप घूमने जा रहे हो या छोटे मोटे फंक्शन में भी ये साड़ी चलेगी। मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए साड़ी से शुरुआत की थी, अब बात आती है ज्वेलरी की। तो ये जो मैंने पीस पहना हुआ है ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको जूम करके दिखाना तो बनता है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह का है, चोकर टाइप ऑफ, यहाँ है पर्ल है, कुंदन का है पूरा, साथ मिल रहा है टीका। वाओ, और ऐसे इयररिंग सुंदर लग रहा है ना, मतलब छोटा मोटा फंक्शन हो तो बहुत ही सही जाएंगे। और जो भी चीज़ों के जो भी प्राइजेस हैं, मैं आपको जब प्रोडक्ट सिखा रही हूँ साइट पे देख लो, मैं प्राइजेस भी लगा दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत चोकर है और पहनने के बाद बहुत अमेजिंग लग रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसके साथ टीका और कान के भी हैं, मैंने पहने हुए नहीं है। मेरे कान में कई बार ना दर्द होता है जिस वजह से मैं पहन नहीं पाती। एक मैंने मंगवाया है अभी प्रिशा के लिए, ये वही पहन के दिखाएगी। भाई उसका है तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। कितने सारे हैं इसके अंदर और इसका प्राइस भी आप साइट पे देख लो, मीशो का ही बाय है। ये देखो आप कितने सारे हैं, आप खुद ही देख लो। लग रहे हैं ना खूबसूरत और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर्ल के। कितने सारे इयररिंग्स हैं आप देखो, है ना, और प्राइस भी आप देखो उसके सामने, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। क्योंकि होता क्या है, जब मीशो से हम कुछ बाय करते हैं ना तो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, यार पता नहीं कैसी चीज़ आएगी। क्योंकि समटाइम्स मुझे भी डाउट होता है कि मीशो से मंगवाया है, पता नहीं सही आएगा नहीं आएगा, अच्छा आएगा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि भाई कोई चीज़ ना अच्छी आए, लेकिन इस बार तो मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। जितनी भी मंगवाई है मुझे किसी के लिए कोई रिग्रेट नहीं है और सब बहुत अमेजिंग है। ये आपके पास होना ही चाहिए, आपके घर में बेटी, आप खुद भी पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और ये मिंत्रा पे भी मैंने देखा हुआ है, मिंत्रा पे ये काफ़ी महंगा है सेम, लेकिन ये मीशो पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सेम है, बिल्कुल सेम मिंत्रा पे मैंने देखा है, बट मीशो पे सस्ता है। मीशो पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं गाइस। चलो नेक्स्ट पीस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पीस ये देखिए, इस तरह से काफ़ी लंबा सा है। मैं लंबे ना नेकलेस कम पहनती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, तो चलो दिखाती हूँ आपको। ऐसे ये जो ऐसे करवा, इसके साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे चोकर के साथ इसको ऐसे पहन लिया नीचे तो पूरा गला भर जाएगा, जैसे करवा चौथ वगैरह होता है। तो करवा चौथ पे ऐसे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, पूरा का पूरा देखिए कितने मोटे मोटे से डायमंड्स हैं, और ये पहनने के बाद बहुत अमेजिंग लगेगा। साइड पे आप देख लो कैसा लग रहा है,
और इसका प्राइस भी मैं साइट पे लगा रही हूँ, वो भी आप देख लो। बहुत खूबसूरत पीस है मीशो से, आई जस्ट लव इट गाइज, इट्स लुकिंग अमेजिंग। और आप इसे और भी लंबा चाहो तो करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो लंबा करके पहनो इसे, या तो फिर ऐसे टाइट करके पहनो, पूरा गला भर देता है। और जैसे करवा चौथ वगैरह हो या कोई फंक्शन है उसमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर प्लेन साड़ी आपने पहनी होगी ना तो उसके ऊपर तो वाव ही लगने वाला है। ये बहुत ही सुंदर पीस है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट नेकलेस की बात करते हैं जिसने मेरा दिल जीत लिया है। ये बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल मीशो पे, तो ये तो है बिल्कुल गले से लगा के पहनने वाला। मैं भी आपको पहन के दिखाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह से है, इसको पहना जाएगा बिल्कुल अंदर से ना यहाँ से। और इसके बाद इसको लेयर करने के लिए ना वो दीपिका पादुकोण वाला, जो दीपिका पादुकोण ने पहना है ना, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं ठीक करके दिखाती हूँ आपको। समथिंग लाइक दिस इसको लेयर किया जाता है, इसके साथ जो मैंने आपको पॉल वाला दिखाया मैं पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग है ये मीशो पे। और दीपिका पादुकोण के फोटो के साथ ये यहाँ पे लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी कॉस्टिंग भी देख लो कितना अफोर्डेबल है और पहनने के बाद क्या लगता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये लेयर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है आजकल, ट्रेंडिंग है। दीपिका पादुकोण ने ये वाला पीस पहना हुआ है और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये 200 समथिंग का है, मतलब अंडर 300 है। लेयर्ड है, ये वेस्टर्न्स पे भी जाएगा, साड़ीज़ पे भी जाएगा, जो कि साड़ी पे बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत सुंदर है। खाली ये नेकलेसेस के साथ कोई ईयरिंग वगैरह तो मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, ये सिर्फ नेकलेस है। इसके बाद कुछ मैंने घर के लिए मंगवाया, तो ये मैंने दो मेरे क्या बोलते हैं तकिए के कवर्स मंगवाए हैं मीशो से, और ये बहुत अच्छे आए हैं। और कहते हैं कि ये सेटन के तकिए पे सोते हैं ना तो बाल और स्किन दोनों बहुत अच्छी रहती है, तो मैंने तो अपने तकिए पे लगा लिया है। बहुत अफोर्डेबल हैं ये भी, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूँगी। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखानी रह गई हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सोची हूँ कि इसका पार्ट टू शेयर करूँ आपके साथ। तो पार्ट टू देखने के लिए तैयार रहिएगा, उसमें मैं दिखाऊँगी कुछ और अच्छी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं मीशो से। सो ये तकिए के कवर बहुत प्यारे, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। दो का पैर मैंने मंगवाया, एक और तकिया मैं सामने रखा हुआ है। सो दो का पैर है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। देखिए इतना बड़ा तकिया डालने के बाद भी इतना स्पेस बच रहा है, यानी कि आप चाहें तो और भी बड़ा पिलो इसके अंदर डाला जा सकता है। बहुत अच्छे कवर्स हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मीशो पर चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाती हैं, इसीलिए मीशो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शॉर्ट्स वीडियो पर भर भर के कमेंट्स दीजिए, भर भर के लाइक्स दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारे शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको मेरे मीशो के वीडियोस पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट मैं आगे आपके लिए और भी चीजें ऑर्डर करूं और अपने पसंद की चीजें आपके साथ शेयर करूं और रिव्यू करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।